दोस्तों नमस्कार, आप ये जो खुला हुआ मोटर देख रहे हैं ये है क्रोमटन 2 HP 3 फेज का मड पंप। इसकी वाइंडिंग पूरी तरह से जली हुई है। इस मोटर की हम कटिंग करेंगे और इसकी कॉइल निकालेंगे और इसका वाइंडिंग डेटा काउंट करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त भारत जांगिड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सोल्यूशन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मड पंप की कटिंग और डेटा काउंटिंग। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी भी मोटर को कटिंग करने से पहले उसके जलने का रीजन समझना काफ़ी ज़रूरी है, वरना मोटर दोबारा जल सकती है। इस मोटर में आप देख सकते हैं दो ही सेट जले हुए हैं, दो ये वाले बिल्कुल सेफ हैं और इसके सामने वाले दो सेट बिल्कुल सेफ हैं। टोटल 6 सेट इस मोटर में डले हुए हैं, मात्र 2 ही सेट जले हैं। मोटर 2 फेज के ऊपर चली है जिसकी वजह से 2 ही सेट जले हैं इसके। यदि जाम होकर जलती तो पूरी ब्लैक हो जाती। तो यहाँ पर मोटर की कटिंग करनी पड़ेगी, तो कटिंग करने के लिए इस तरह की छेनी का यूज़ करेंगे और इस तरह से इसको फटाफट से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कनेक्शन की तरफ से इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा जो कॉइल है हमने काट दी है और ये इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कनेक्शन लीड, तो मोटर के कनेक्शन स्टार में थे, 3 वायर एक जगह करके पैक कर रखे हैं, जॉइंट आप देख सकते हैं। तो पूरा कनेक्शन मैं आपको बाद में समझा दूँगा इसका किस टाइप से है। तो ये स्क्रैप हमने निकाल दिया है। देखिए अब कटिंग यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से कटिंग हुआ है छैनी से, बिल्कुल स्टेटर कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ है। अब सलोट के अंदर से सभी कॉइलों को बाहर निकालेंगे। इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्टील बॉडी की जो कॉलर है ये कहीं से भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने ये देखिए प्रेशर फैन की साफ से वी शेप का एक टूल बनाया हुआ है, बिल्कुल ये सलोट के अंदर आराम से जाएगा। और यहाँ पर सभी कॉइलों को ये देखिए 1 बाय 1 इस तरीके से हम ठोक लेंगे। तो यहाँ पर जब सभी कॉइलें देख पा रहे हैं पीछे की तरफ निकल चुकी हैं लगभग आधी आधी, तो यहाँ पर इसी तरीके से सभी को 1 बाय 1 ठोक ठोक कर हम पीछे की तरफ निकालेंगे। इससे स्टेटर भी डैमेज नहीं होगा और स्टील बॉडी की कॉलर है जो वो भी यहाँ पर प्लास वगैरह से पकड़ के खींचने में तो डैमेज हो जाएगी ऊपर से। अब यहाँ पर दोस्तों कॉइलों को पूरा निकालने से पहले यहाँ पर देख लेंगे सेट हमारा कहाँ पर डला हुआ है। तो ये देखिए ये सेट है, इसके बाद में 2, 4, 6 और ये 8, तो यानी कि 10 और 12 पिच के अंदर हमारा सेट डला हुआ है। तो इसको निकाल लेते हैं, 2 कॉइल का 1 सेट है, तो इस सेट को हम सेफ रखेंगे क्योंकि इसकी हम काउंटिंग वगैरह करेंगे, टर्न भी काउंट करने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर 6 सेट टोटल डले हुए हैं मोटर के अंदर और यहाँ पर कॉइलों को फटाफट से निकाल लेते हैं, आराम से ये निकल जाएंगी। उसके बाद में इसका हम टर्न काउंट करेंगे और डेटा पूरा इसका चेक करेंगे। तो चलिए इन कॉइलों को हम संभाल कर रख देते हैं, 1 सेट को बिल्कुल पूरा निकाला है। अब यहाँ पर फटाफट से सभी कॉइलों को निकाल देते हैं। तो ये देखिए अब हाथ से ही निकल जाएंगी फटाफट से सभी कॉइल। तो ये देखिए यहाँ पर किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं है और स्टेटर और बॉडी कहीं से भी डैमेज नहीं होगा इस तरीके से। तो ये पूरी 6 के 6 सेट हमारे बाहर निकल चुके हैं और ये पेपर भी निकाल देते हैं। ये देखिए स्टेटर पूरा क्लीन है, इधर से भी कोई डैमेज नहीं है, इधर से भी कोई डैमेज नहीं है। तो तरीका कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अब यहाँ पर स्क्रैप की एक बार सफाई कर लेते हैं, ये पेपर वगैरह पूरा निकाल देते हैं क्योंकि वज़न करेंगे उस टाइम एक्यूरेट वज़न भी आना चाहिए ताकि पेपर वगैरह का वज़न नहीं आएगा। तो ये पूरा यहाँ से साफ़ भी करना ज़रूरी है, स्क्रैप के अंदर भी कचरा नहीं जाना चाहिए वरना बट्टा लग जाता है। तो ये सेट हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से एक बार इसका हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तकरीबन 50 तो होंगे ही वैसे। तो इसमें टोटल 48 टर्न है दोस्तों, 50 नहीं है पूरे, 2 टर्न कम है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से काउंट कर लिया है, 48 टर्न है टोटल। तो यहाँ पर अब इसका एक बार कॉइल का लंबाई भी निकाल लेते हैं, वैसे तो हम बाद में भी निकाल सकते हैं। तो छोटी वाली कॉइल का एक वायर ले लिया हमने और यहाँ पर कटिंग में से भी ये देखिए छोटी वाली कॉइल का ही लेंगे, एक वायर ले लेंगे, अंदर वाला ही लेना है तो इनको सीधा कर लेंगे। तो ये छोटी वाली कॉइल पूरी है, तो ये 4.5 इंच के समथिंग तो ये छोटे वाला टुकड़ा हो गया। इसके बाद में बड़े वाले को भी यहाँ से 4.5 से आगे लगा कर नाप लेंगे। तो ये जो कॉइल डली हुई थी उसके हिसाब से नाप हम चेक कर लेंगे। तो 17.5 इंच इसकी लंबाई आ रही है, लंबाई भी चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर अब करेंगे गेज, तो ये आ गया है माइक्रोमीटर हमारा, तो वायर को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, इससे वायर का प्रॉपर गेज आ जाएगा। तो ये माइक्रोमीटर के अंदर लगाएंगे, 1 राउंड पूरा खुल गया है, 1 राउंड में 0.5 है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं 1 राउंड पूरा खुल गया है, उसके बाद में ये देखिए 25 यानी कि 75, 76, 77 यानी कि 77 इसका साइज आ रहा है। तो 77 हम यहाँ पर चार्ट के अंदर चेक कर लेंगे। तो ये है एमआईड का गेज चार्ट, तो ये देखिए यहाँ पर वार्निश करे हुए तार का साइज़ चेक करेंगे तो ये 76 आ रहा है दोस्तों। ये देखिए 0.767 तो 777
यानी कि 0.77 के आगे यहाँ पर 22 नंबर इसका गेज है। तो 22 नंबर कॉपर का वायर है तो चलाकर चेक करेंगे तो 0.71 आएगा। तो यहाँ पर 22 नंबर का गेज डला हुआ है। अब करते हैं इसका वज़न। तो वज़न करने से पहले यहाँ पर कनेक्शन की लीड वगैरह निकाल लेते हैं। तो ये लीड हम वापस यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब करेंगे पूरा स्क्रैप का वज़न। तो ये आ गया हमारा वेट स्केल। तो यहाँ पर रख देते हैं वेट स्केल के ऊपर पूरा हमारा वायर। यहाँ पर दोस्तों हमारे स्क्रैप का टोटल वज़न आ रहा है 1 किलो 40 ग्राम। तो पूरा जो डेटा है मैं लिखकर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों मोटर की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, पूरा डेटा हमने काउंट कर लिया है। इसका जो वाइंडिंग डेटा है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हम इस मोटर को वाइंडिंग करेंगे, जिसका वीडियो भी आपको काफ़ी जल्दी चैनल पर मिल जाएगा। दी गई जानकारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल पर लगातार ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।